जवाब दे दा कि हम बना के खा ले। गर्मी बहुत ज्यादा, हम खाना खा देना। चलो आज गर्मी है बहुत। अस्सलाम वालेकुम। माशा जी खाना खा लिया है, आखिरी आ गया है हमारी बोतल। इधर आए थे, अभी बैठे हैं इधर और जाने की तैयारी में है। नाश्ता नहीं था, दोपहर की रोटी थी। ये दवाइयाँ जो भी होगी भुगते के साथ साथ आ जाओ। मैं कहती हूँ बैग बैग रख दो इधर, इसको शापर वापर। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, घर में बच्चे बड़े सब ठीक ठाक हैं, अल्लाह पाक का करम है। आप लोग की दुआएं हैं तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक से उनको औलाद नौरीना दे, और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे। आमीन सुम्मा आमीन। इस नेक दुआ के साथ जो हमारा व्लॉग होता है शुरू, और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो जो बहुत अच्छी और ज़बरदस्त होने वाली, रहना हमारे साथ। तो जैसा कि आपने सुबह वाली वीडियो देखी है, मेरी दो तीन दिन से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और मजबूरी के वो क्या कहते हैं, मजबूरी भी होती है, जाना भी पड़ता है, इधर उधर काम भी होते हैं। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक मुझे शिफा दे। तो सुबह मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने गई थी, उस वक्त भी मेरी ब्लड प्रेशर जो है ना वो लो हो गया था, मैं गिर गई थी उधर अपने आयशा शायद के घर। तो अभी जो है ना मेरे पास आए थे मेहमान सिदरा मोहसिन, और उनकी कहीं दावत है यूट्यूबरों के घर, तो उन्होंने कहा है कि आप भी आना उनके साथ। तो अभी अभी मैंने नहाया है, फ्रेश हो के तैयारी हो के मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और उनके साथ जा रही हूँ, क्योंकि मेरी मजबूरी है उनके साथ जाना। तो उधर चल के जो भी होगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और टाइम बताऊँ आपको तो 2 बज रही है, कड़क फुल कड़क धूप है, ना कुछ हवा चल रही है, ना कोई सुकून है, ना कि माहौल है, लेकिन दिल मेरा ऐसा कर रहा है कि मैं पंखे के नीचे सो जाऊं। लेकिन टेबलेट वगैरह जो है मैंने अभी खाई है, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक शिफा देगा। आप लोगों ने दुआ करनी है, रहना हमारे साथ है, और मेरी भी मजबूरी है, मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। ठीक हो गया जी, जो भी होगी भुगते के साथ साथ आ जाओ। मैं कहती हूँ बैग बैग रख दो इधर, इसको शापर वापर को ले जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। तो फिर उठा लेंगे। अच्छा। पहले तो मैं कहती हूँ हमें छोड़ के जाओ भी नहीं। अच्छा। हाँ, पहली बात। दूसरी बात है आपने जाना है तो बाद में ये उठा लेना। तीसरी बात, जाना है तो जल्दी दफा। ये आई ना असल वाली बात, ये हमारे लिए बेस्ट है। वो कहते हैं ना तीन ऑप्शन होते हैं, हर बात के जो तीन ऑप्शन होते हैं। हाँ, हमें यो आपको जो पसंद है यहाँ पर रख दे, बाद में उठा के ले जाए। हाँ। ऐसे अच्छा या उधर काम लगे, काम आएंगे, काम शायद आएंगे, और टाइम कम है ना, शायद आपको उधर भी जाना पड़ेगा। फिर उधर जाना है, फिर आपके अब्बू बोल रहे थे शहर भी जाना है। चलो फिर देखते हैं, लेकर जाओ। मैं मुझे कुछ डाउट लग रहा था, अच्छा फील नहीं लग रहा था, किसी और के घर जा रहे हैं न्यू जगह पर, वो भी एक आधे घंटे के लिए। इधर रख दो, इस बात में उठा ले, कमरे में रख दो, कौन सा कोई दस मिनट। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है, आ जाओ। चलो ऐसे नहीं करो बीबी, चलो 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 आ जाओ। गरम हो तो हाथ नहीं लगाना, पता है किधर जाना है बेगम साहब, पता नहीं मुझे लगता आप है हमारे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हम आपके पीछे पीछे हैं, आप जहाँ जाएंगे। चलो मैं इसलिए आगे हो पड़ी हूँ, इसीलिए तो कहा है आप आगे हो जाए, किसी के किसी और घर ना घुस जाए। गर्मी से मुझे चक्कर भी आ रहा है, सफर है बहुत ज्यादा, ऊपर से गर्मी है इतना। मैं कहती हूँ गधा रेडी पे, मैं सो जाऊँ, मौसम इधर मैं सो जाऊँ। सीधा करें, रेडी है गधा के लिटा देते हैं, गधा की जरूरत भी नहीं है, वो तो मुझे लेकर भाग जाएगी। वो खड़ी हुई है, वो देखो बेचारी, वो भी गर्मी में पड़ी है।
चलो चलो आ जाओ, गर्मी है बहुत। अस्सलाम वालेकुम। बड़े ठीक ठाक वैसे ठीक है। ठीक है क्या रे बेटा? ठीक है गर्मी का सुना है, कैसी हो रही है? बहुत ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हो? आ जाए जी लंबरदार साहब, गर्मी लग जाएगी वरना आपको। काले हो जाओगे शादी करवानी है। आप क्या नसीब जो है ना वो और वेलकम भी हो चुका है। आगे जो भी हो गया वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। रहना आपने हमारे साथ, हमें बहुत गर्मी लग रही है, हमें बहुत आ चुका है और मुझे चक्कर भी आ रहा है। काफी ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गर्मी गर्मी है। बैठ जाओ। जब हम लगा रहे हुए तो लाइट भी चली गई थी। माशाल्लाह जी अभी पहुंच चुके हैं किचन में और इधर मेहमानों की जो है ना भाभी ने दावत वगैरह तैयार किए, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि क्या क्या बना हुआ। हाँ जी मोस्ट वेलकम। तो सब कुछ सिस्टर ही करती है। हाँ ये तो, सिस्टर हाँ, की बड़ी बड़ी मेहरबानी है। इधर से साफ नहीं आ रहा। हाँ अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपकी मेहनत को रंग लाएगा और सिस्टर को बहुत सारी दुआएं दें। अल्लाह ताला इनकी नसीब अच्छे करे। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, इनको लंबी उम्र सेहत वाली जिंदगी दे। आमीन। बिल्कुल सही बात है। शेयर कर दे आप व्यूअर्स के लिए। चलें जी खोले, दम खोल छोड़ो, दम खोल पहले, दम खोलो। ओ माशाल्लाह, ये जी बने हुए हैं चावल, बहुत प्यारी खुशबू है माशाल्लाह। चिकन पुलाव ऐसे ना? हाँ जी चिकन पुलाव बनाया। ठीक, उस दिन बिरयानी बनाई थी, इतनी खास नहीं बनी थी। ज्यादा थी ना? हाँ, ज्यादा कुछ थी, मसला बन जाता है। चिकन पुलाव बनाया। ठीक हो गया जी। और इस देख जी दूसरी में, इधर जी है चिकन, माशाल्लाह जी। यहाँ पर हम दम खोल रहे हैं। खोल भी दिया आप दम देखने आए थे। आप अपना दम लगा लो। हमने अपना दम खोल दिया। सिद्रा जो है ना भाग के आ गए। ये है चावल, ये है चिकन और मैं जा रही हूँ ये रायते की तरफ। वाओ माशाल्लाह, और सलाद माशाल्लाह। आप भी निकल सकते हैं जी। मैं अपनी फेवरेट चीज दिखाऊंगी। हाँ अम्मी जान, मैं आपके पीछे पीछे हूँ। अम्मी की फेवरेट चीज जो है ना वो हमारे लिए बहुत अहम है, बाकी सब छोड़ो जी। देखो दम खोलो 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 दम। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। ये जो अम्मियाँ होती है ना उनको ये बड़ी पसंद है। अम्मियाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। मेरी अम्मी भी ऐसी है, इतनी शौक से खाती है और हम भी इसकी बेटियां हैं, हम भी बड़े शौक से खाती हैं। ये है जी बड़े गोश्त की ओजरी, मेरी पसंद है। वेरी गुड, गुड हो गया। मेरी अम्मी को गुड देना जो है ना, ये अल्लाह पाक लंबी जिंदगी करे। आमीन आमीन। और सबसे पहला लाइक जो है ना अम्मी को देना। ठीक हो गया जी। आमीन आमीन। बस आपको देती हूँ थोड़ा सा, चेक करो अभी अम्मी का खाना कैसा बना। अम्मी हमारे साथ है ना। बिल्कुल, हमें कोई टेंशन या कोई परवाह नहीं है। ठीक है, इकट्ठे बैठ के खाएंगे, एक दूसरे को खिलाएंगे, बहन भाइयों के साथ शेयर भी करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। वेरी गुड। और इधर ये देखें सिद्रा,
ये इन्होंने कच्चा प्लाट रखा है, कैसे सजाया हुआ है। हमारा तो सहन भी खत्म हो गया है, हम इस चीज के बहुत शौकीन थे। ये पौधे छोटे छोटे अगर हो ना घर में, ऊपर से ये देखे नीम का दरख्त भी है और नीचे जो है ना ये प्यारी प्यारी सी फूल भी उठाए हुए हैं। ये बबरी है, आ जाओ आ जाओ। चलें जी अभी जाते हैं अंदर कमरे की तरफ। बाहर वैसे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हाँ ठंडी होती है, बहुत प्यारी होती है। दरख्त के साथ कोई चीज भी नहीं मिल सकती। और अभी तो पाकिस्तान यही तो बात है ना, अम्मियों की यही बात है। जी मम्मा शुरू करें अभी खाना। अच्छा जी माशाल्लाह, रेडी हो गए हो मोहसिन? रेडी हो, रेडी कर दो, टूट पड़ो, इंतजार की घड़ियां खत्म कर दो। ये ऐसे हमें ज्यादा अजीब फील हो रहा है, ये सब लोग जो दूर दूर खड़े हैं ना, ये इधर भाई आ जाए, अम्मी आ जाए, भाभी आ जाए, सिस्टर आ जाए, हमारे साथ आके बैठे। हम भी आ जाए, हम कहीं भी जाते हैं ना तो भले वो सब मिलकर सारे ऐसे बैठ जाएंगे। हम बैठ गए हैं ना, हमें गर्मी नहीं लग रही, आप आ जाओगे ना ठंडा हो जाएगा। अच्छा जी ठीक हो जाए, खाना वाला जो है रेडी हो चुका है, सब लोग इधर बैठ चुके हैं, करते हैं बिस्मिल्लाह। जिसने खाना है तो मोस्ट वेलकम, जल्दी से भाग के आ जाओ, नहीं आना तो अभी अभी जवाब दे दो, अपनी घर बना के खा लो, गर्मी बहुत ज्यादा, हम खाना खा गए ना, चलते हैं अपना घर की तरफ। बिस्मिल्लाह करें, मौसम सीधा जल्दी जल्दी से खाओ। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह जी खाना खा लिया है, आखिरी आ गई है हमारी बोतल, ये देखिए थोड़ी सी लिया है क्योंकि भाभी ने कहा, उनका कहना मान ली हूँ, वैसे तो मना है पीना, तो आपने पी लिया मेरा। हाँ जी क्या तमाशा है, आपने खा पी लिया है, बोतल भी पी ली है, अभी चले घर के, और बाकी के जो है ना उधर है बोतल जो नहीं खाता ना वो हमें अच्छा भी नहीं लगता। हमारी टीम में जो ऐसे बंदे होते हैं ना, हम उसको काट देते हैं। अच्छा अभी आ गए ना आपकी टीम में, तो हम भी खा लेंगे। मैंने अभी कमी ने खाया भी नहीं, क्योंकि वो हां उसकी मजबूरी है, ये ना सिर्फ खाते हैं, मैं मुझे भी मना डॉक्टर ने बोला। अभी आपको कैसा लगा खाना? अच्छा लगा, कितने हैं बच्चे? बहुत ठीक है, आ मोटी हम की तरह तो भी बहुत मोटी हो गई भाई को चले जी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा खाना बना था, बहुत जबरदस्त और टेस्टी था, जितना कहे ना उतने अल्फाज कम है। मैं आपको अब बता दूं, जितना भी कहे ना, जितना भी कहे, उन बनाने वालों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। माशाल्लाह जी इतनी प्यारा खाना बना था, मैंने दोपहर को मैंने कभी खाना नहीं खाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छा खाना खा लिया पेट भर के, और आप लोग ने दुआ कर दिया कि खैरियत से मैं ये खाना हजम भी कर लूं, कोई मेरे लिए मसला ना बन जाए। ठीक है, ये बता दे ये कौन बनाए थे चिकन, उसको ले, उसको ले दे, वो हमारे किसी ने उन्होंने बनाया है, अच्छा नहीं है, अच्छा है मेरे अभी जो खाना खाया है ना।
उसका वो क्या कहते हैं अजाला अदा करना है। बिल देना है, बिल देना है। इसके पैसे चावलों का भी पैसे भी ज्यादा होता है तो मौसम ज्यादा पी लेंगे। एक प्लेट का लगा आज की बिरयानी महंगी होती है भाई। सालों तो फिर भी 100 रुपए में मिल जाए बिरयानी 150 की है। शम्मा बिरयानी की प्लेट का डब्बा है ना, इस प्लेट से भी कम होता है। उसमें एक बोटी होती है छोटी सी, वो 180 रुपए का देते हैं। चलो हम भाई करके चलो 150 की लगा देते हैं तो 8 प्लेट दे दो। अच्छा ये बिरयानी की प्लेट की मेरे हिस्से की भी नंबरदार ने खा लेना। नानी आग जिंदाबाद। कोई बात नहीं है, इतना खाया भी नहीं वैसे आपके सामने खाना पड़ा हुआ है। भाभी आप बार बार उसके आगे ट्रे फुल करके रख रही है। मैं कहती हूँ फुल हो गया खाना नहीं खाएगा, ये 3 दिन नहीं खाएगा। अच्छा इसलिए तो दिन ना मुझे 8 प्लेटों के पैसे चाहिए, तो 8 प्लेटों के दो मुझे भी। इतनी बड़ा लंबरदार और आप ये उसकी शादी में खाना खिलाओगे। वो कहेगी ना इसकी शादी में क्या खास है, मैं कहूँगी दाल और चावल खास है, ये हमारे आपकी तो खास होगी ना, इनका तो बेड़ा गया। आपको ये खिलाना है ना, हंसी मजाक ना करे तो भी लोग क्या होता है, कोई भी लोग नहीं होता। बहन भाई काफी बहन भाई जो ना अपने काम में जब थक हार के आते हैं परेशान होते हैं तो अपन भी लोग देख के ना हंसते मुस्कुराते हैं। चलो माशाल्लाह चलो जी ओके हो गए। इधर आए थे अभी बैठे हैं इधर और जाने की तैयारी में है। नाश्ता नहीं था, दोपहर की रोटी थी। खाना का है नाश्ता का है दोपहर का खाना था। चलो कोई बात नहीं, चलो खाना खा लिया है दोपहर का। इधर दावत थी सर के घर तो अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो पहले पहले हमने बताया था कि ये कौन है, कैसे है, क्या सिस्टम है, वो आपको बताएंगे अभी, वो डिस्कस करते हैं, पूछते हैं, बताते हैं, जो भी तफसील है सारी मुकम्मल। तो वीडियो स्किप नहीं करना, साथ साथ रहना है, फिर वीडियो स्किप करेंगे तो पता नहीं चलेगा, फिर कोई आधी वीडियो देखेगा ऐसे कमेंट छोड़ के भाग जाएगा जल्दी जल्दी भी, ये हो गया तो वो हो गया। बात हाँ वीडियो पूरी देख के बात सुन के समझ के फिर उसके मुताबिक हमें बताया करें कि हमने कौन सी गलती की है और क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए।
फिर हमें भी समझ आएगी और आपको भी समझ आएगी कि क्या मसला क्या है। तो अभी पूछते हैं इधर सिस्टर से, बताएं आप भी क्या सूरत हाल है, क्या तफसील है सारी, आप भी साथ दें। मेरी पता है कि मेरी शादी हुई थी 2 साल पहले, तकरीबन अभी 2 साल हो गए। जैसे शादी शादी के 6 मंथ के बाद मेरी किडनी फेलियर पे चली गई, मेरी किडनी बिल्कुल दोनों फेल हो चुकी थी। तो यहाँ पर इलाज कराने की बहुत कोशिश की, जो भी घर का सरमाया था सब कुछ बिक गया, लेकिन इलाज नहीं होता था। फिर हम लोग सब कुछ जो था हमारे पास बेच बेच के चले गए उधर कराची में। वो किसी ने बोला कि आप ऐसा यूपी में जाएँ, तो वहाँ हम चले गए। वहाँ पर उन्होंने बोला कि किडनी ट्रांसप्लांट होगा, आपको कोई गुर्दा देगा तो आप बच सकते हो वरना नहीं। तो हमने घर आके फिर डिस्कस किया, तो फिर मेरे भाई जो है वो गुर्दा देने पर राजी हो गए कि हम देंगे। फिर उन्होंने हमें किडनी दी है, लेकिन वहाँ का खर्चा इतना बहुत ज़्यादा था कि घर में जो भी था सब खत्म हो गया। अभी भी मैं महीने जो जाती हूँ दवाई लेने, क्योंकि दवाई हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत महंगी दवाई है। जो ट्रांसप्लांट के पेशेंट देख रहे हैं उनको पता होगा कितनी महंगी दवाई है, उसकी वजह से और किराया भी कितने मांगे, हर महीने जाना पड़ता है, बहुत मुश्किल बात जब है। बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह सब कुछ सही करने वाला है। तो बस उसकी वजह से भी ट्रांसप्लांट तो मेरा हो चुका है अल्लाह का शुक्र है, पर जो है घर में अभी जो है हम सही से फिट नहीं हो पा रहे, काम आते हैं। तीसरे साल में ये जा रही है, तीसरे साल में 2 साल ये बेड पे पड़ी रही है। इनकी ऐसी हालत होती थी ना, हम कहते हैं बस ये 2 घड़ी भी नहीं जी पाएगी। काफ़ी बार अजहर भाई आए थे, वो अपनी गाड़ी भगा के ले गए थे रहीम यार खान पर, जहाँ तक जा रहे वो जानते थे डॉक्टर उनके पास लेकर गए थे। डायलिसिस पे हो गए थे ना, मेरे गुर्दे वॉश होते थे हफ्ते में तकरीबन 2 बार वॉश होते थे। इसके बाजू है ना, जिस जगह पे देखो उधर ये इसकी मशीन है, अभी तक भी जो है ना वो ये इसका ऑपरेशन हुआ है, ऊपर ऑपरेशन है, ये खड़ी है ये इसको दबाए ना, इसके बीच अभी है ये भी है, सही है बस ठीक है अभी रहने दो, कोई मसला नहीं। अल्लाह पाक खैर करे, माशाल्लाह इसके भाई की हिम्मत है, उन्होंने इसको गुर्दा दिया है, एक ऑपरेशन भी हो चुका है माह रमजान से पहले। और इसका जिगर जो है ना खून पानी बनाना बिल्कुल छोड़ दिया था, प्रेशर दिल में भी सारा पानी भर गया था। तो उन्होंने मतलब अपनी ऑब्जर्वेशन में ही रखा हुआ था, मुझे उधर ही बोला था कि आप यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक आपका ट्रांसप्लांट नहीं हो। तो हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करते थे, जिसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला दुश्मन को भी ऐसी बीमारी ना दे। तो बहुत मुश्किल में थे, अल्लाह ताला ने पता नहीं किसकी दुआ कबूल की, अभी बेहतर हूँ। पर बस ये है कि हमें जो हमारा चैनल है उस पर सपोर्ट करे हमारे साथ, ये देखें इनका चैनल भी है और इसकी खुराक जो है ना वो भी बहुत कम है, इसको अभी खाना पेट भर के नहीं खाना, बस दूध है इनका वो भी पैकेट वाला खुला नहीं है, खुला इसको मना है। बाकी और चीजें जो भी इंसान का वो सब कुछ से परहेज है, लेकिन ये ज्यादा बैठ भी नहीं सकती, ज्यादा काम भी नहीं कर सकती। इसका बंदा है वो दिन को जाता है ताजी मजदूरी करने के लिए, अभी वीडियो में आया है आधा घंटा पूरा उसको छुट्टी नहीं मिली, अभी वो कल से चला गया है, काम का चला गया, बहुत मुश्किल क्योंकि हफ्ते में 2 छुट्टियां तो फिर कराची जाने के लिए लेनी पड़ती है। तो वो बोलते हैं महीने में या वो 2 छुट्टियां कर लो या कोई और छुट्टी कर लो, फिर उसके लिए फिर हम छुट्टी नहीं करते, वो 1 घंटे के लिए। अल्लाह पाक बेहतर करेगा। तो इनका चैनल है तहमीना व्लॉग, आपने ज़रूर विज़िट करना है। सब्सक्राइबर जो हैं वो पूरे हो चुके हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वीडियो पूरी वॉच किया करें, ताकि वॉच टाइम जो है इनका हो जाए और ये इनकी जो है ना रोज़ी का सिस्टम जो है वो कुछ बहाल हो सके। तो अगर ये जो अभी इन्होंने बताया है ना, वो मैंने भी चैनल का विज़िट किया है, अगर फिर भी किसी को डाउट है तो वो चैनल पे इनके वीडियो मेरे ख्याल लगी हुई है, तो वो भी जाके देख सकते हैं। हॉस्पिटल से लेके हम जब तक जहाँ स्टार्ट किया जा रहा है सब वीडियो जा रहा है, तो जिनको डाउट है वो भी जाके देख सकता है उधर, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ढेर सारी सपोर्ट करनी है। और किसी के पास अगर फुर्सत हो तो इनके साथ तावन भी ज़रूर करें, मैं तो यही कहूँगा। बाकी अल्लाह पाक की मर्जी है, जिसको चाहे जिसको रखे, जी बिल्कुल इंसान के हाथ बस कुछ नहीं होता, जिंदगी जो है ना बशक दी है, तो इंशाल्लाह रोजी का भी हिला वसीला बन जाए, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। काम उनकी मोहब्बत की जरूरत है, जितनी हो सके इनके साथ हेल्प करें, चैनल के बारे में हेल्प करें, माली हेल्प करें जितना हो सकता है जिसको,
इसके चैनल पे आके इनसे रब्ता करके खुद आप आके दे सकते हैं। हमें कोई नहीं है लालच, ये नहीं कहते हमें दे हमसे रब्ता करें, नहीं हम नहीं कह सकते। हम इस पहले भी वीडियो डाली है, आप भी डाल रहे हैं कि इस सिस्टर की जितनी हो सके इसकी हेल्प। हर महीने दवाइयाँ लेते हैं, बहुत सख्त और महंगी दवाइयाँ होती हैं, और फिर बंदा जो दो ढाई साल लगातार मौत के बिस्तर पे पड़ा रहे तो उसको पता चलता है कितने खर्चा हुआ है, कितना क्या है, किस हालत से जाके वो इधर किस हालत तक पहुँचे। सिस्टर दवाई लेकर आना, ये दवाई है, ये जो है ना ये वाला, ये 8,000 का एक ये पैकेट है। महीने के कितने आते हैं ये? महीने के तकरीबन 8 लगते हैं, तो ये जो है ना मतलब 5-6, इसमें एक पत्ते में 10, जो मैं 6 एक टाइम लेती हूँ और 5 एक टाइम लेती हूँ, दो टाइम खाने। और ये देखा गरीब आदमी कैसे अफोर्ड कर सकता है, अल्लाह पाक बस दे रहे हैं। ये सब ये टेबलेट, ये 3 टाइम इनको खानी होती है, 18 अंगुली का। फिर वो उन्होंने कहा है ना, वो इस पे इसके जरिए जब तक बिल्कुल सेट नहीं, अंदर का सिस्टम जो है पूरा हिल चुका है, गल चुका है, खत्म हो चुका है। अभी न्यू जो है, जैसे हम कहते हैं ना कोई चीज न्यू वायरिंग की है तो उसके जख्म तो है ना, तो उसको ये ताकत देंगे। वो हर चीज का जो है ना मेरा कार्ड है ऐसे ही ठीक है, जो पेशेंट का होता है ट्रांसप्लांट के बाद, तो ये मेरा ट्रांसप्लांट का कार्ड है जो हम वहाँ जाके जो चेकअप के लिए दिखाते हैं। ये ना हो तो वो हॉस्पिटल में इंटर भी नहीं देने देते हमें। चलो अल्लाह पाक बेहतर करेगा, सब ने दुआ भी करनी है और ज़रूर सपोर्ट करनी है, हमारी सबसे रिक्वेस्ट है, ताकि देखें इससे जाता तो किसी का कुछ भी कुछ नहीं, नहीं है, सब किसी का कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं होता, ना पैसे लगते हैं, नहीं देखना अच्छा नहीं लगता, देखने का टाइम नहीं है, तो ऐसे इनकी वीडियो चला के साइड पर रख दे। इतनी मोटी अलाना समझी, ये उसकी शादी की पिक्चर है, ये देखें, ये शादी की पिक्चर देखें और अभी देखें, अब देखें इस तरह देखें, इधर देख लें और इधर देख लें कितनी हेल्थी थी। बीमारी जो होती है ना अल्लाह पाक माफ करे, अल्लाह पाक हर किसी को बचाए, अल्लाह पाक जो है ना ये नाजरा खुला कर कर वाला खुला कर कर, ये देखें अल्लाह पाक इंशाल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह के सामने करे अल्लाह पाक इंशाल्लाह, न्यू दिन की वजह से इंशाल्लाह अल्लाह पाक शिफा दे बेटा भाई, कितनी कितनी माशाल्लाह इसको भी बुखार हो गया। चलें अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, मुकम्मल हो गई, मिलेंगे नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, पहले अल्लाह की इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।